ओम शांति हम सभी घर ग्रस्त में परिवार में कारोबार में रहते हैं और कई स्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं जब हमें गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा हम सभी को आता है किसी को कम किसी को ज़्यादा पर सभी को आता है कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुष बच्चे धर्म संप्रदाय संस्कृति देश के लोग गुस्सा करते हैं यानी गुस्सा जो है वो सर्वव्यापी है और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन अखबार में या टेलीविजन में या रेडियो में या इंटरनेट में क्रोध के कारण हिंसा या हत्या का समाचार न हो अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में मैंने समाचार पढ़ा था कि एक माँ ने अपनी बेटी को सरिये से इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई कारण क्या था कि वो अपनी मौसी के यहाँ अपनी माँ को बिना बताए चली गई और अपनी मौसी मतलब उसकी जो बहन थी माँ की जो बहन थी उससे उसका बोलचाल काफ़ी समय से बंद था तो इतना नाराज़ हुई कि आ, कैसे वो उसके घर चली गई और उस गुस्से में आकर के उसने उसको जान से ही मार दिया तो सोचिए लोग गुस्से में कहाँ तक पहुँच जाते हैं हालाँकि अब रोज़मर्रा की घटनाओं में हम इतने चरम तक नहीं पहुँचते हैं लेकिन फिर भी जब हमें क्रोध आता है तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है वो समझ नहीं पाता और उसके मुँह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो कहने नहीं चाहिए और वो हमेशा दूसरों को दुख पहुँचाते हैं और उसका असर हमारे संबंधों पर पड़ता है क्रोध एक एसिड की तरह है जैसे एसिड को जिस पात्र में डाला जाता है वो उस पात्र को ही नष्ट करता है तो गुस्सा करने वाला पहले अपने को नुकसान पहुंचाता है बाद में वो दूसरे का नुकसान करता है गुस्से के कारण मनुष्य बहुत असहाय हो जाता है उसका अपने आप पर से कंट्रोल चला जाता है और गुस्सा जो है वो व्यक्ति को एक पुअर रोल मॉडल बनाता है यानी वो किसी का आदर्श नहीं हो सकता ये एक संक्रामक रोग की तरह है जैसे संक्रामक रोग लग जाता है अगर आप किसी गुस्सा करने वाले व्यक्ति के सामने हैं तो आप भी गुस्सा करने लगेंगे गुस्सा अपने आप आ जाता है गुस्से की भावनाओं को हम कई तरह से व्यक्त करते हैं एक होता है जैसे हम थोड़ी बात में चिड़ गए जोश में आ गए आवेश में आ गए नाराज हो गए सो कहते हैं माइल्ड लेवल और एक होता है बेकाबू गुस्सा गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है इतना गुस्सा आ रहा है कि जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे गालियां देंगे चीजें उठाकर फेंकेंगे हाथ पैर चलाएंगे मारने के लिए और उसके चरम में किसी की हत्या तक कर देंगे जैसे हमने उदाहरण में देखा तो कई बार मनुष्य इस हद तक भी पहुंच जाता है तो ज्यादातर हम तीन तरह से गुस्से की भावनाओं को व्यक्त करते हैं एक अग्रेसिव है यानी बिना सोचे समझे रिएक्ट करना कोई भी बात हुई बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे और फिर उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा ही बुरा होता है दूसरा होता है कि हम सोच समझ के उसकी प्रतिक्रिया करते हैं और तीसरा होता है हम गुस्से को पी जाते हैं हम कुछ कहते नहीं हैं चुप रहते हैं गुस्से को पी जाते हैं यानी मन ही मन तो गुस्सा आता है तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए घर में बहन है टीवी देख रही है शाम का समय है पति ऑफिस से घर आते हैं और उनको अपना स्पोर्ट्स देखना है क्रिकेट देखना है तो उन्होंने उसके आ, हाथ से रिमोट लिया और अपना स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया अब वो बहन को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो जो सीरियल देख रही थी वो अपने क्लाइमेक्स पर है तो वो अभी उसको पूरा देखना चाहती है तो उसने अपने पति के हाथ से रिमोट लिया और फिर अपना वाला चैनल लगा दिया अब पति तो ऑफिस से आए थे और उनको लगा कि आ, मतलब ऐसा क्या है उन्होंने फिर रिमोट लिया और अपना वाला स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया अब पत्नी को गुस्सा आ गया उसने गुस्से में छीना उस रिमोट को और फिर अपना चैनल लगा दिया अब पति को भी और गुस्सा आया उसने उन्होंने भी फिर से छीन लिया अभी पत्नी का गुस्सा या कहेंगे पारा पूरा सातवें आसमान पर और उसने ज़ोर से रिमोट खींचा और उसे उठा के फेंक दी और वो रिमोट टूट गया तो यहाँ पर ये एग्रेसिव वे है लेकिन इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है दूसरा तरीका जो है कि वो ये समझती है कि सारा दिन मैं तो घर में हूँ मैं टीवी देखती हूँ देख सकती हूँ पति अभी ऑफिस से आए हैं अगर उनकी इच्छा है तो अभी मैं उनको देखने दूँ और अगर उसको लगता है कि ये पाँच दस मिनट का सीरियल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे देखना ही है तो बता सकती है कि ये पाँच दस मिनट का रह गया फिर रिमोट में आपको दे दूंगी और अगर परमानेंट सोल्यूशन करना है इस प्रॉब्लम का दोनों को ही अगर टीवी का बहुत शौक है तो दोनों अलग अलग अपना टीवी लगाएं और देखें तो सोच समझ करके अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो फिर वो स्थिति नहीं होती ऐसे ही माँ बाजार से घर आती है और पर्स जो है वो सोफे पर टिपोई पर रख देती है रसोई में चली जाती है सामान लेकर के घर में बच्चा खेल रहा है दो साल का वो देखता है माँ ने रखा है कुछ वो गया वहाँ टिपोई से पर्स उठाया उसको खोला उसमें नोट थे उसमें से पाँच सौ रुपये का नोट बाहर निकाला और वो नोट को लेकर के पहले तो खेलने लगा फिर उसने उसको फाड़ फूड़ दिया क्योंकि दो साल के बच्चे को क्या पता अब जब ये माँ कमरे से रसोई से बाहर आई और उसने देखा कि ये बच्चे ने क्या किया पर्स खोला है और नोट बिखरे पड़े हैं और ये 500 सौ रुपए का नोट फाड़ दिया है गुस्से में उसने लगा दिए दो चार उसको तो अब यहाँ पर यह है एग्रेसिव वे अब इसमें असर्टिव वे क्या हो सकता है अब उसको ये समझना चाहिए कि घर में अगर दो साल का बच्चा है और मैंने अगर पर्स टिपोई पर रख दिया तो ये मेरी गलती है बच्चे को तो समझ नहीं हो ना समझ है बच्चा उसकी कोई गलती नहीं है तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि कभी भी मैं चीज़ ऐसी जगह पर नहीं रखूँगी जो उस बच्चे के हाथ में आ जाए और अगर हम गुस्से को पीते हैं तो ज़्यादातर हमारे कोई अधिकारी हैं उनके सामने अगर हम हैं या फिर कोई परिवार के हमारे सम्माननीय सदस्य हैं जिनकी कोई बात से हमें गुस्सा तो आ रहा है पर उनके सामने हम कुछ कह नहीं सकते तो फिर हम चुप रह जाते हैं गुस्से को पी लेते हैं और अगर बार बार ये स्थिति बनती है तो इसके भी हानिकारक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होते हैं कई बार व्यक्ति को हीन भावना पैदा होने लगती है उसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है तो गुस्से के लिए हम कहेंगे कि इसका हमारे शरीर पर और मन पर दोनों पर ही प्रभाव होता है शारीरिक स्थितियों में हम देखते हैं कि व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो उसका चेहरा एकदम तमतमा जाता है और उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मांसपेशियों की तरफ होने से हाथ पांव उठने लगते हैं अपने आप Uh, क्योंकि जैसे गुस्से में आकर व्यक्ति मारपीट करता है उसकी मुठ्ठियाँ भिज जाती हैं उसकी सांस तेज तेज चलती है वो स्थिर नहीं रह पाते हैं और फिर शरीर के अंगों पर भी उसका प्रभाव होता है सबसे अधिक प्रभाव हृदय पर होता है क्योंकि क्रोध एक तनाव की स्थिति है और उसके कारण हमारे शरीर में एजनलिन बनता है एटनलिन और जो है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और जो हृदय की धमनियाँ हैं वो धमनियाँ जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं सिकुड़ जाती हैं और अगर किसी को पहले से ही ब्लॉकेज है कईयों को होते हैं तो वो ब्लॉकेज होने के कारण उनको फिर एंजाइना हो सकता है या कई बार हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी बन सकती है ये गुस्से की तीव्रता पर निर्भर करता है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है इसीलिए जो हृदय रोगी होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप जो हैं वो कभी भी गुस्सा ज़्यादा गुस्से में नहीं आओ ज़्यादा तनाव में नहीं आओ शांत रहो रिलैक्स रहो एक बार ऐसे ही एक वीआईपी पेशेंट जो है वो आईसीयू में आया उसको माइल्ड हार्ट अटैक था तो नर्स को उसके पास आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वो दूसरे पेशेंट में बिजी थी लेकिन उसको इतना गुस्सा आया कि मैं आया हूँ और कोई मुझे अटेंड ही नहीं कर रहा है तो जब वो गुस्से में बात करने लगा तो उसका जो माइल्ड हार्ट अटैक था वो मैसिव हार्ट अटैक में बदल गया और फिर उसको बचाया नहीं जा सका तो गुस्से के ऐसे प्रभाव कई बार हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनते हैं इसका असर मस्तिष्क पर होता है क्योंकि मस्तिष्क की जो खून की नलियां हैं वो भी बहुत बारीक होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उससे मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए गुस्से की स्थिति में व्यक्ति को निर्णय लेने में मुश्किल होती है वो एकाग्र नहीं कर पाता मन को हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो तनाव में आ जाती हैं तो सिर दर्द हो सकता है कमर में दर्द सारे शरीर में दर्द हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर होता है एसिड ज़्यादा बनता है हाँ कई बार उसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक एक बीमारी है वो भी हो सकती है गुस्से के मानसिक प्रभाव भी होते हैं मानसिक प्रभाव हम देखते हैं गुस्से से कभी किसी को शांति नहीं मिलती है मिलती है किसी को शांति हाँ गुस्से के बाद मन अशांत हो जाता है हम खुद भी अशांत होते हैं और सामने वाले को भी अशांति देते हैं हम टेंशन में आ जाते हैं और अगर ये टेंशन ज़्यादा समय चलता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है मन में बदले की भावनाएं आ जाती हैं और नफ़रत होती है जिसके प्रति हमारे मन में गुस्सा होता है फिर हमारी मानसिक क्षमता जैसे कहाँ प्रभावित होती है हमारी एकाग्रता कम होती है निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है कई बार असमानीय व्यवहार करते हैं ये स्थितियां भी पैदा होती हैं